नमस्कार, मैं प्रिया बोल, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। प्रियंका गांधी वाड्रा, यूं तो ये नाम भारतीय राजनीति में कोई नया नहीं है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव से ठीक पहले जिस प्रकार भारत के सबसे पुराने राजनीतिक दल ने उनके नाम की घोषणा राष्ट्रीय महासचिव के रूप में की है, तो भारतीय राजनीतिक दल में प्रतिक्रिया आनी तो लाजमी ही है। पहले काफी लंबे समय से कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रियंका गांधी को राजनीति में लाने की मांगें उठ रही थीं। हाल ही 3 राज्यों में मिली जीत के कारण आत्मविश्वास से लबरेज कांग्रेस ने पहले ही इसका अंदेशा दे दिया था कि विपक्षी दल उन्हें हलके में लेने की भूल ना करें। जब उत्तर प्रदेश की हाशिए पर पड़ी कांग्रेस ने सभी 80 सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान किया, राहुल गांधी उस समय विदेश में थे। जब सबसे बड़े प्रदेश में मोदी की धूर विरोधी माने जा रहे सपा और बसपा ने गठबंधन कर लिया और देश की सबसे पुरानी पार्टी को नजरअंदाज करते हुए कांग्रेस के लिए केवल 2 सीटें छोड़ी, बसपा सुप्रीमो ने भाजपा के साथ साथ कांग्रेस पर भी करारा हमला बोला है, जबकि अखिलेश यादव के तेवर कांग्रेस के प्रति नरम रहे। तब राहुल गांधी ने कहा था कि यूपी के परिणाम चौंकाने वाले होंगे। मीडिया में आए सर्वे और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गठबंधन के बाद भाजपा के लिए यूपी में 2014 वाली परिणाम दोहराना असंभव है, लेकिन प्रियंका वाड्रा को जिम्मेदारी देकर कांग्रेस ने सपा और बसपा के महागठबंधन के लिए आसान लग रहे चुनाव को मुश्किल बना दिया है। जिस प्रकार प्रियंका वाड्रा को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार सौंपा गया है, इसका असर पूरे प्रदेश पर पड़ेगा, क्योंकि पूर्वांचल में नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी भी आती है और कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका या तो सोनिया गांधी की पारंपरिक सीट रायबरेली से या फिर वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं। प्रियंका वाड्रा निर्वाचन क्षेत्र में एक लोकप्रिय व्यक्तित्व भी हैं, अपने चारों तरफ अपार जनता को आकर्षित करने में भी सफल हैं। आधिकारिक रूप से पहली बार प्रियंका को पार्टी में कोई काम सौंपा गया है। अब तक वो अपनी माँ सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के 2 लोकसभा क्षेत्रों रायबरेली और अमेठी में चुनाव मैनेजमेंट का काम किया करती थीं। प्रियंका को ऐसे वक्त में अपनी योग्यता साबित करनी होगी जब उनके सामने चुनौती के रूप में खुद पीएम मोदी हैं। दूसरी ओर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा को कथित मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से नया नोटिस जारी किया गया है। प्राइम न्यूज 24 के लिए प्रिया बोध की खास रिपोर्ट।